अज़ीज़ाने मोहतरम, आज मैं ये कहते हुए मेरा दिल, यकीन मानिए आप कि वो अल्फाज हजरत इस वक्त नहीं है, बोले तो मुझे बोलने का जो हिम्मत होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्यों? एक मर्द मुजाहिद था बंदा, जब भी मैंने उनको आवाज़ दी, जिस मसले पे भी आवाज़ दी, चाहे किसी रंग के कपड़े रहे वो मेरे साथ रहे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मसले पे मैं आपका साथ नहीं दे सकता, बल्कि हर वक्त हजरत ने न सिर्फ मिली कामों में, आपके हुकूमत से मुकाबले करने में, और यही नहीं, लोग आते रहेंगे मेरे को भी देखो, मैं दो मिनट में जा रहा हूँ, आप सही है मैं चले जा रहा हूँ समझेंगे, इतना जल्दी नहीं जाता मैं। अपन लोग अभी कितने बेहिस हो गए, हमारे आंखों के सामने हमारे उलमा जा रहे हैं, हम बोल रहे हो छोड़ जा, आते रहते बाग, उम्र हो गई चले गए। मियाँ जब जा रहे हैं ना, एक साया जा रहा है, ये छोड़ भूल जा रहे हैं लोग, एक एक उलमा का आपके सर से साया जा रहा, याद रखिए ये उलमा की दुआओं की वजह से शायद मसायब बहुत रुके हुए थे, ये साये हटने की वजह से शायद मसायब और हमारे ना पड़ जाए। ये लोग ऐसे भी है कि जैसे शायर ने कहा, महफिल में तो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, बस ऐसे भी होते हैं उलमा मियां, हंसते हंसते चले जाते मगर दुनिया को रुला के जाते, ऐसे बनो। आज यहाँ बैठे तो तकरीर सुन के जाना नहीं है, आजम लेके जाना है कि आज से हम अपनी कौम के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, चाहे कोई मसला आ जाए। मौलाना को मैंने देखा है, NRC के वक्त एक मौलाना के शागिर्द है, वो गालिबा नायकी ने किया, हमारे हजरत भी बैठे हुए वहाँ से हाथ हिला दे रहे, उन्होंने गर्दन नहीं हिला सक रहे, फट्टा है। वो एक तालिब इल्म है, मौलाना का शागिर्द है गालिबा बच्चा, वो मेरे को और मौलाना के पास बैठ के फोन करता, वो बच्चे में यानी मौलाना है मगर इतना दिल में दर्द लेके फिरता है वो बंदा, कि जब मुसलमानों पे कोई आजमाइश की बात हुकूमत पेश करती फौरी वो मौलाना के पास पहुंच जाते, मौलाना से बैठ के मेरे पास फोन कराते, कहते मौलाना कहते भाई आ रहे हैं आप इनसे मिलिए फिर अपन तय करेंगे हर मसले पर। उस नौजवान को मैं हमेशा दुआ देता हूँ कि वो नौजवान अगरचे के मामूली समझा जाता है, लेकिन बाज लोग दर्द रखने वाले मामूली जो रहते हैं, बड़े महलों में रहने वालों को दर्द नहीं रहता अपनी कौम का। आज आपके दिलों में भी दर्द पैदा कीजिए, मौलाना के दिल में दर्द था, हर एक की मदद करने के लिए आगे बढ़ते, और सहाबा के लिए जान देने वाले थे। हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के जलसे के बारे में जब परमिशन हमको नहीं मिल रहा था, दो आदमी पुलिस से लड़ रहे थे, मुझे यकीन नहीं मानेंगे आप, शब्बीर फैजी साहब गवाह हैं यहाँ, कि मुझे मेरे को मालूम नहीं था कि मौलाना भी पुलिस में आके इतनी बड़ी आवाज़ निकालेंगे, मैं ये समझता था नहीं कि मौलाना भी पुलिस से बहस करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आप जिस रफ्तार से मैं गुफ्तगू किया, माशाल्लाह मैं पलटने के बाद ये हजरात पहुंचे, और ये हजरात ने भी वही दबदबे के साथ अपने वजन को कायम रखा। चुनाचे मेरे को DCP फोन करके ये कहा कि भाई आप भी वैसी है, आपके चाहने वाले भी वैसी है, अल्लाह हमारे चाहने वाले नहीं है, सहाबा के चाहने वाले ऐसे है, सहाबा के मानने वाले ऐसे हैं, इस बात से कि हम तो उनके देख के चलने वाले रास्ते पे चल रही, हमारा कमाल नहीं है, वो आखा का कमाल है जो अपने पे हजारों तीर खाने के बावजूद, अपने ऊपर मुसीबतों के अंबार आने के बावजूद, आज इतने टोपियां जो नजर आ रहे हैं उन्हीं की तो देन है ना। आज हम सहाबा को छोड़ सकते हैं?
आज हमारे को महल्लेवारी गश्त करना चाहिए। मेरा मुफ्ती साहब ने रहे तो आपके एक महसूस किया जो आपके सहाबा के जलसे नहीं हुए, वरना हमारे मुफ्ती साहब एक महीना पूरा सिलसिलेवार जलसे कराते थे। अब ये पिच करने के दिन नहीं है, अब हम लोगों के छोड़ो आदत आई है, बूढ़ियों को ऐसा कोस दिए पिच के लिए नहीं। अब आप तय कर लीजिए कि एक एक को अपने महलों में सहाबा के जलसे कराना है, कौम को सहाबा के बारे में बताना है। और आज आपको अफसोस के साथ कहता हूं, आज कई नौजवान हमको ये कहा जाता है कि भाई वो किसी और को मानने वाले बन गए हैं। खत्म नबूवत माशाल्लाह यहाँ हजरत तशरीफ फरमा है, मगर मैं मौलाना से ये भी अर्ज करने वाला हूँ, क्योंकि जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब यही हैं, आप खत्म नबूवत उनसे जंग नहीं है, दूसरों से भी जंग करना है आपको, ये दिनों के जो निकलते नहीं उनसे भी आपको जंग करना है, ये भी कुछ कम नहीं है आपके पास। आज हमारे बच्चों को दीन से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, सहाबा की तौहीन अपने बच्चों से करा रहे हैं। आइए मैं बताता हूं आपको, मेरे पास हमको ये दर्द नहीं है कि हमारे सहाबा की पहचान हमारे बच्चों के पास नहीं, हीरो की पहचान नहीं है तकलीफ होती है आपको, सियासी लीडर की पहचान नहीं है तकलीफ हुई आपको, कभी बेटे से बिठाकर पूछे मेरे बेटे मेरे खुलफाए राशिदीन के नाम बता, मैं मुफ्ती साहब का खायल हूं इस बात का कि ये महल्लेवारी जलसे उन्होंने रखे, गांव गांव जलसे किए। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मौलाना ना सिर्फ उससे क्या गुस्सा तो भी दिखाए हमारे वकील साहब बोले तो मालूम हुआ, हजरत जलाल भी आता था, जलाली बुजुर्ग नहीं समझता था मैं उनको, मैं जमाली देखा उनको हमेशा, मगर एक बात खास देखा मैं कि हमेशा जब भी आए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता वो आदत, और मैं जिस अंदाज से तेजी में वो बात कह जाता मुफ्ती साहब उसको नरम करके लोगों के सामने पेश कर बोलते, भाई कोई गर्म रहना तो कोई नरम रहना, ये खूबियां हर एक में नहीं आती। और ये खूबियों को पैदा करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबे इल्म के दौर में बैठना कमाल नहीं है, इल्म हासिल करके दौरान में बैठना कमाल है। आजकल हमारे पास तालिबे इल्म में बैठ के वो ये हम सारे उनके बड़े सामने दौरान में बैठे, नहीं, इल्म आए के बाद ही आपकी अन्ना बैठने देती दौरान, नहीं बैठने देती, मैं बड़ा हूं बोलती, मगर हमारे मौलाना की खूबी थी कि जब हम कोई बात बोलते मौलाना सुनते भी समझते भी, और मौजूदा हालात में उसको कैसे अपन पेश करना है उसकी भी मौलाना अपने अंदाज से उस गुफ्तगू को लोगों के सामने रखते। मेरे अजीज दोस्तों, काफी वक्त है, मौलाना की तारीफ कितनी भी कर ले कम है। अब ऐसा है कि हम लोग इतना ही करते, बाद में चंद दिन के बाद अच्छा थे, अब हम भी ये बोल रहे थे हमारे वालिद साहब को, कई लोग इतना के जिक्र करते मौलाना के कोई अमल को आप जारी किए नहीं, मौलाना के काम को कीजिए, आपकी मौलाना से मोहब्बत है। दूसरों को देखो ये दिनों में क्या क्या कर ले रहे, खूना निकाल ले रहे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मगर मोहब्बत हों दी बता रहा, आप भी मोहब्बत पैदा करो अपने साथियों में, मोहब्बत पैदा करो मदरसों से जामिया से, मोहब्बत पैदा करो, हक की बात कहो चाहे वो किसी को कर मिलो, और अल्लाह के लिए काम करो किसी की खुशनुदी के लिए नहीं। ये मौलाना मुफ्ती साहब का सबसे बड़ा कमाल था। आप हजरात भी वही अंदर अपने जौहर पैदा कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी आज मजलिस है और आज सीरत उस्मान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे खिताब रहता है, मगर मैं वो तबीयत कल भी ख़राब थी महफिल किया, मैं बोला सहाबा के लिए अगर बोलते बोलते जान चले जाए तो शायद उनके नाम के साथ जान जाने का एक टिकट तो मिल जाएगा अपने को। कल इंशाल्लाह 10 मुहर्रम है, मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ,
आप हजरात दुआ फरमाइए कि मौलाना की अल्लाह तबारक व तआला आला से आला आलाइलीन में मौलाना को जगह अता फरमाए और हजरत के साहिबजादों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और जो भी ये खिदमात मौलाना की इतने मियाँ उंगलियों पे सब गिनाने बैठे तो नहीं गिना सकते। मगर इसलिए मुख्तसर ये है कि हजरत हर लिहाज से आपको देखकर मुझे देखकर अपने को ज़िंदगी बदलने के लिए एक नमूना थे। मौजूदा हालात में हमको अपनी ज़िंदगियों को देखकर अपने को भी अपने अंदर वो औसाफ वो खूबियाँ पैदा करना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे और वो रास्ते पे चलने की तौफीक दे जो हमारे बुज़ुर्गों ने रास्ता इख्तियार किया था। अस्सलामु अलैकुम।